नमस्कार, YouTube ज्ञान सहचय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियतम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है ये पाठ। में आप सभी को बतलाया जाएगा कि एक सच्चे भक्त जो होते हैं, ईश्वर के भक्त, वो अपना दायित्व का निर्वाह भी करते हैं, यानी कि परिवार का भरण पोषण और अपने कर्तव्य का पूरा करते हुए समय निकालकर अपने भगवान का नाम भी लेते हैं। और इस पाठ में आपको नारद मुनि से श्रेष्ठ एक किसान को भगवान का भक्त बतलाया गया है। और वो क्यों बतलाया गया है, कैसे बतलाया गया है, आइए विद्यार्थियों इसमें देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा निर्मित आपका पाठ प्रियतम। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी, पूछा मृत्यु लोक में वह कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है प्राणों से प्रियतम, उनकी परीक्षा लूंगा। हसे विष्णु सुनकर, कहा ले सकते हो। यहां पर आपको जो पुण्य श्लोक का मतलब होता है उत्तम चरित्र वाला, मृत्यु लोक का मतलब होता है ये हम जिसमें रहते हैं धरती, और प्रियतम मतलब सबसे प्रिय, सबसे जिसको हम अपना मानते हैं, प्यार करते हैं, उसको हम प्रियतम कहते हैं। तो यहां पर इसका अर्थ क्या है, भावार्थ यह समझते हैं। इस प्रसंग में आपको एक पुरानी कथा है जिसमें विष्णु और नारद से संवाद होता है, यानी बातचीत होता है, और इसमें अपने कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ और ईश्वर का प्रिय होता है यह बतलाया गया है। इसमें एक एक लाइन के अनुसार समझते हैं। एक दिन विष्णु जी के पास गए हैं नारद जी, उसके बाद उनसे पूछा है कि मृत्यु लोक में वह कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा, मतलब कि नारद जी पूछ रहे हैं विष्णु जी से कि धरती पर वह कौन है उत्तम चरित्र वाला या यशस्वी जो भक्त है तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है प्राणों से प्रियतम, मुझे अपना प्राण से भी वो ज़्यादा प्रिय है। तो फिर उसके बाद उनकी परीक्षा लूँगा, ये बोले आपके नारद जी, और यह बात सुनकर हंस पड़े विष्णु जी, हाँ ले सकते हो। चलिए अगले पंक्ति में, नारद जी चल गए चल दिए पहुंच भक्त के यहाँ, देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को, दरवाजे पहुंच कर राम जी का नाम लिया, स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। देखा क्या कि वो जो किसान के यहाँ पर नारद जी चल दिए, और वहाँ पर फिर देखा क्या वो भक्त हल जोत कर वह फिर दोपहर को आया है अपने घर, फिर उसके बाद दरवाजे पर आकर भगवान का नाम भी लिया है यानी राम जी का, और उसके बाद फिर स्नान भोजन इत्यादि सब करके फिर चला गया अपना काम पर। शाम को आया दरवाजे पर फिर नाम लिया राम का, प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। यहां पर प्रातः काल का मतलब आप जानते हो सुबह, और मधुर नाम स्मरण मतलब कि भगवान का नाम याद करके लिया। तो शाम को आया अपने घर पर दरवाजे पर फिर नाम लिया फिर राम का, प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया, मतलब कि एक बार वो जब दोपहर को आया घर पर तब भगवान का नाम लिया, फिर उसके बाद फिर शाम को दरवाजे पर आया दोपहर के काम करने के बाद, तो फिर नाम लिया, फिर सुबह में निकलते वक्त फिर भगवान का नाम लिया, यानी कुल कितने बार नाम लिया, 3 बार। अब यहाँ पर बोल भी रहे हैं, देखिए क्या, बस केवल 3 बार नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही क्यों याद आया। गए विष्णु लोक बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है राम का। मतलब कि नारद जी तो चकरा गए कि ये तो केवल 3 बार नाम लिए हैं, भगवान को किसान ही क्यों याद आया है,
तीन बार नाम लेने से किसान का याद आएगा। गए विष्णु लोक, जहाँ विष्णु लोक मतलब जहाँ विष्णु जी रहते हैं उनके पास, बोले भगवान से, देखा किसान को तीन दिन भर में तीन बार नाम उसने लिया है राम का। कितने बार नाम लिया है? तीन बार। फिर उसके बाद देखिए, बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता साधारण विषय। विष्णु जी ने नारद जी को एक आवश्यक काम दिया है और बोले हैं कि यह काम आपको छोड़कर और कोई नहीं कर सकता है। बात विवाद होगा तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदीक्षिणा कर आइए भूमंडल की, ध्यान रहे सौ विशेष एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। बात विवाद होगा मतलब कि चर्चा होगा, इससे पहले आप एक काम करके चलाइए, तब तक यह आवश्यक काम पूरा करके आ जाइए। या जो तेल का पूर्ण पात्र है, मैंने तेल पूर्ण पात्र मतलब बर्तन है तेल से भरा हुआ, यह लेकर दक्षिणा प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की, मतलब भूमंडल मतलब धरती की आप पूरी प्रदक्षिणा करके आइए, पूरा भ्रमण करके चलाइए, घूम कर चलाइए। ध्यान रहे सौ विशेष, सौ विशेष का मतलब होता है विशेष रूप से, सौ विशेष का मतलब विशेष रूप से एक बूंद भी इससे तेल ना गिरने पाए। प्रदक्षिणा करते वक्त भरे पात्र से तेल गिरने ना पाए, यह याद रहे आपको। फिर क्या होता है देखते हैं आगे। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर घृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। लेकर चल गए फिर नारद जी आज्ञा पर ही और घृत लक्ष्य, घृत लक्ष्य क्या मतलब होता है आपका एकाग्र चित से, मतलब कि मन को एक जगह ध्यान करके, ध्यान में लगाकर, ध्यान में लगाकर पूरा चले गए और एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। तेल बर्तन से ना गिरे, पूरा ध्यान लगाकर नारद जी आज्ञा देते ही चले गए। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे वैकुंठ को, तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं, उल्लास मन में भरा था। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। योगी राज यहां पर किनको कहा गया है? नारद जी को, नारद जी को कहा गया है जल्द ही विश्व पर्यटन करके आए, हमने धरती, विश्व पर्यटन मतलब धरती का पूरा चक्कर लगाकर चलाए वैकुंठ में, वैकुंठ मतलब विष्णु लोक में, और तेल के एक बूंद भी पात्र उससे गिरा नहीं है, उल्लास मन में भरा था, उनके मन में खुशी था कि मेरे से एक बूंद भी तेल बर्तन से नहीं गिरा है। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया, यह सोचकर भी कि ये तेल का रहस्य कुछ होगा जिसके कारण हमें विष्णु जी बताना चाहते हैं, उनका बहुत ही उल्लास था मन में खुशी था कि ये किस कारण से हमें बर्तन से भरे, तेल से भरे बर्तन को पूरे विश्व में परिक्रमा करने के लिए भेजे थे, ये भी उल्लास था सुनने के लिए विष्णु जी से। फिर आगे क्या होता है? नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा यह तुम उत्तर तुम्हारा यही आ गया, बतलाओ पात लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया, एक बार भी नहीं, संकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, नाम फिर क्या लेता। और विष्णु ने कहा नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है, उत्तरदायित्व भी लादे हैं उनके, एक साथ सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपको इसमें समझा भी देता हूं। नारद को देखकर विष्णु जी ने स्नेह से बैठाया, प्यार से उनको बैठाया, कहा कि यह उत्तर तुम्हारा यही आ गया, जो आपने पूछा था ना कि सबसे प्रियतम वह किसान क्यों है, वही उत्तर उनको मिल गया। तो फिर विष्णु जी पूछ रहे हैं कि बतलाओ पात लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया, मतलब अपने सबसे प्रिय का नाम या आराध्या, मतलब जिसको आप मानते हो पूजा करते हो, कितने बार नाम लिया। नारद जी ने कहा एक बार भी नहीं, संकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, मतलब एक बार भी
नहीं लिया। शंका मन से कहा कि मैंने एक बार भी भगवान या अपने प्रिय का नाम हृदय नहीं लिया हूं। फिर उसके बाद फिर क्या बोलते हैं यहां पर, विष्णु जी ने नारद को, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, नाम फिर क्या लेता। और विष्णु नहीं, माफ करिए, ये फिर उसके बाद नारद जी और कहते हैं क्या कि मेरा जो काम था वो आपका ही दिया हुआ था, तो ध्यान उसी में लगा रहा, नाम कैसे लूंगा आपका। तो विष्णु जी ने फिर क्या कहा, नारद उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है, जो काम किसान करता है वो तो काम मेरा ही दिया हुआ है, वो उत्तरदायित्व भी अपना लादा हुआ है, लादा हुआ मतलब निभा रहा है अपना जो जीवन निर्वाह करने के लिए परिवार का पालन पोषण होता है उसको उत्तरदायित्व बोल रहे हैं, और उसके अलावा अपना भगवान का नाम भी ले रहा है, तो ये सब उत्तरदायित्व है, वो तो लादा है मतलब अपना निभा भी रहा है, एक साथ सबको निभाता है और काम करता हुआ नाम भी लेता है, ठीक है। इसी से प्रिय है प्रियतम, नारद लज्जित हुए कहा, यह सत्य है, सत्य है और सत्य है, मतलब यह उत्तर से ही पता चल गया कि इसीलिए वो मेरा सबसे प्रियतम है। तो नारद जी फिर क्या हो गए, लज्जित हो गए, और उसके बाद नारद जी बोले कि हाँ यह सत्य है। तो देखिए विद्यार्थियों, आप निराला जी की इस कविता के माध्यम द्वारा आप समझ पा रहे हैं कि भगवान को वही प्रिय होता है जो अपना कर्तव्य का पालन भी करता है और साथ साथ भगवान को याद भी करता है, सबसे प्रिय भगवान का वही होता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को यह वीडियो में समझाया गया प्रियतम पाठ के द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा निर्मित प्रियतम पाठ कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। बहुत बहुत आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।